हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ लंबर स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लंबर स्पॉन्डिलोसिस के कंडीशन में लंबर रीजन में डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं लंबर रीजन की वर्ड बॉडीज़ में, और डिस्क में डिस्क की स्पेस होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा ऑस्टियोफाइट का फॉर्मेशन होता है एट द एंड ऑफ द बोन। अब मैं बात करूँगा कॉज के बारे में। सबसे पहला कॉज है ओल्ड एज। ओल्ड एज में डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, इसके वजह से लंबर स्पॉन्डिलोसिस होने का जो रिस्क है ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। इसके अलावा बैक ट्रॉमा, बैड पोस्चर, हैवी लिफ्टिंग। मैं बात करूँगा इसके सिम्टम के बारे में। तो सिम्टम में पेन होता है, बैक रीजन में स्टिफनेस होगा, नमनेस होगा, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन या वीकनेस होंगी पैरों में। अगर नर्व की इन्वॉल्वमेंट रहती है तो पैरों में नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन या हैवीनेस या वीकनेस फील होगा पैरों में। बात करूँगा इसके डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम एसएलआर टेस्ट करते हैं। एसएलआर टेस्ट पॉजिटिव आता है, इट्स मीन्स नर्व का इन्वॉल्वमेंट है। इसके अलावा हम एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सब टेस्ट की जाती है इसको डायग्नोसिस करने के लिए। अब मैं बात करूँगा ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में मेडिसिन में हम एनएसएड्स, एनल्जेसिक, मसल्स रिलैक्सेंट, या नर्व की इन्वॉल्वमेंट है तो इसमें नर्व की भी मेडिसिन दी जाती है। इसके अलावा एपिड्यूरल इंजेक्शन भी लगाई जाती है कभी कभी, इन रेयर केस में। फेसेट जॉइंट्स के बीच में ये इंजेक्शन दी जाती है जिससे कि जो पेन है और सीवियर पेन है उसमें कमी आती है, पेन कम होता है। अब मैं बात करूँगा फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट होती है इसमें लंबर स्पॉन्डिलोसिस के केस में। ये बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसमें थर्मोथेरेपी, हीट थेरेपी देते हैं। इसके अलावा स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, और इसके अलावा मॉडलिटीज़ हम यूज़ करते हैं जिसमें ट्रैक्शन, ईएसटी, अल्ट्रासोनिक, आईएफटी, लेज़र, ये मॉडलिटी इसमें दी जाती है जिससे पेशेंट का जो सिम्टम है वो ठीक होता है। पेन हो गया या नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन। ट्रैक्शन में हम पेल्विक ट्रैक्शन इसमें देते हैं। सर्जरी के बारे में, सर्जरी बहुत रेयर केस में सर्जरी होती है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही 90% पेशेंट जो होते हैं ठीक हो जाते हैं। 10% पेशेंट में सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ती है। अगर स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस है या नर्व ज़्यादा कंप्रेस है तब हम एक ही ऑप्शन बचता है, वो सर्जरी है। तो सर्जरी उस टाइम कराना पड़ता है। अदरवाइज 90% केस में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही पेशेंट ठीक हो जाता है। मैं बात करूँगा प्रिकॉशन के बारे में। प्रिकॉशन में जो पोस्चर है, पोस्चर को मेंटेन करके रखें, फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें, ज़मीन पे ना बैठें, कमोड यूज़ करें, हैवी लिफ्टिंग ना करें, और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें। और इसके अलावा इसमें लंबोसैक्रल बेल्ट देते हैं हम लंबर की सपोर्ट के लिए, बैक के सपोर्ट के लिए। तो इसका यूज़ हम शॉर्ट टर्म के लिए ही करते हैं। तो इसको हम ओनली फॉर 3 मंथ तक दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि जो बैक की जो मसल्स है वीक होने लगती हैं। तो हम सिर्फ बैक के सपोर्ट के लिए हम देते हैं, स्पाइनल सपोर्ट के लिए इसको हम देते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।